अजाब गजाब घर जमाई। चिंटू जी, मुझे और राधा को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जगदम्बे नानी हमें अपनाएंगी, लेकिन आपने ना संभव को संभव कर दिया। मैंने नहीं साडू भाई, ये सब तो आपके नसीब में था सो मिल गया। अरे नहीं यार, हमारे नसीब पे तो ताले लगे हुए थे, आपने खोल दिए। और सोचिए उसमें 5 ठो गाने भी हैं। 1 2 बड़े लाल जी कहाँ खो गए? जमाई जी, अब देखिए घर में सिर्फ नाना जी हैं। हाँ। और नानी जी जब तक वापस आएंगे तब तो आप ही फिल्म देख के वापस आ जाएंगे। टिकट पकड़िए और जाइए भोजपुरी फिल्म। हाँ, हम जाते। अच्छा सुनिए सुनिए, नाना जी को जाते हुए दूध देके जाइए। जाइए जाइए जल्दी। हाँ, जल्दी जाते हैं। क्या कर रहे हो ये? लड्डू है? अनिल लड्डू तो मैं भी देख रहा हूँ। क्यों खाते हो इतने मिठाई बताओ मुझे? बीमार पड़ गए तो अभी पूरे घर को परेशानी हो जाएगी, लिए लिए फिरेंगे डॉक्टर के पास आपको। अरे चिंटू जी, नाना जी को मिठाई खाने दीजिए, खाइए खाइए। मैंने घर की सारी मिठाइयाँ बदलवा के शुगर फ्री मिठाइयाँ रखवा दी हैं। कोई टेंशन नहीं है, खाओ खाओ। अबे ला दूध इधर दे। दूध के साथ मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। कृष्णा जमाई जी, जब से आप आए हैं तब से हमें कोई चिंता नहीं है किसी भी चीज की। मजा आ गया। सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है नाना जी कि इस टाइम हमारे घर में सिर्फ हम 3 घर जमाई हैं, बाकी सब गए। क्या बात करे साठ भाई, मतलब इस घर में 3 जमाई। नाना जी अब हुए ना असली घर जमाई है। नाना जी क्या बात होगी? नाना जी क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है। जल्दी आओ। इसलिए कह रहा था मना किया आपको मत खाया करो मिठाई, बात नहीं समझ में आती ना आपके। लेकिन नाना जी बस 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 2 मिनट रुको। नाना जी रुकिए, ठीक हो जाए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, चिंटू चौटाला बोल रहा था। हाँ डॉक्टर हो क्या? नहीं तो फिर साडू भाई, देखो कोई उठपटांग गोली मत दे देना, पूछ नीच हो जाएगी तो फिर किसे मुंह दिखाएंगे। डॉक्टर आधा इंतजार करो बस। अरे मुझ पे विश्वास रखो, डॉक्टर आने तक इंतजार किया ना तो नाना जी को बहुत परेशानी हो जाएगी। आप हटिए, वैसे भी इसमें कोई दवाई नहीं। आ जाओ भैया करो, क्या करना है। नाना जी सांस लीजिए, सांस लीजिए। अरे साडू भाई क्या करो, टांग टूट सब उठा दी नाना जी की। अरे सब ठीक हो जाएगा, रुकिए तो। डॉक्टर आ रहा, डॉक्टर देख लेगा अपने हिसाब से, समझ नहीं रहा बात। देखो कोई ऊंच नीच हो जाएगी, देखो। अरे पन्ना जी कैसे हैं? चिंटू जी क्या हुआ नाना जी को? कैसे हैं बाबूजी? हाँ बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कृष्णा जी ने टाइम पे इन्हें CPR दे दिया। कृष्णा बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे नानी जी आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करती हैं धन्यवाद कह के, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब कान्हा जी की मेहर। वाह वाह बेटा। अब बेटा हमारी भी एक बात सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये घर तुम्हारा ही है। नानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अमेरिका में रहूं या यहाँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी जिंदगी तो सफल हो जाएगी। वो तो है, वो तो रहेगा हमेशा। लोली जी यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, नाना जी हर रोज बेनाका दोपहर को दूध पीते हैं और हर रोज बेनाका छुप छुपा के मिठाई भी खा लेते हैं सबसे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? चिंटू जी हमें पता है क्या हुआ है। क्या? शक। सीरियल की बहू की तरह आपके दिमाग में भी शक का कीड़ा पैदा हो गया। आप ना बाल की खाल उतारने लग गए चिंटू जी आजकल। नानी जी वैसे तो ग्वालियर में हमारी जो दुकान है वो चौक के बीचों बीच है, बस थोड़ी सी पब्लिसिटी की जरूरत है, उसके बाद काम चलेगा नहीं नानी जी, दौड़ेगा। और फिर 1-2 साल के अंदर ही हम लोगों की मिठाई की दुकान ग्वालियर की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान हो जाएगी। अरे वाह क्या बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है भाई। ग्वालियर का काम तुम संभालोगे क्योंकि यहाँ का काम संभालने के लिए तो चिंटू जमाई है ना, और अब तो कृष्णा भी आ गया है। वो गोली बहुत काम आई, बहुत ही आसानी से दूध में घुल गई थी। 2 3 4 बस राह का एक ही कांटा है, चिंटू चौटाला। बस एक बार मैं उसे हटा दूं ना तो बिजनेस में भी एंट्री कर जाऊंगा। हाँ हाँ राधा रानी, सही वक्त आने दो, तुम्हें भी यहीं बुला लूंगा।
ध्यान रखो अपना, समझी? और सुनो, आई लव यू। चेन से सामान बांध देना, ट्रेन में ऐसी रहते मामले। हाँ, बड़े लाल जाओ, छोड़ के आओ स्टेशन तक। चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। बेटे की जान, चिंटू चौटाला तेरी तो किस्मत में घोटाला है। मान साडू भाई गए और ये कृष्णा साडू भाई आए। अजाब गजाब घर जमाई। अजाब गजाब